तो आपका स्वागत है टेलीकॉम टॉक में। मेरा नाम है तने सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों भारतीय गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया में अपना स्टेक जो है उसको बेचने को देख रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जब गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया में स्टेक लिया तो वो इस कंडीशन में लिया क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो सिचुएशन था वो बहुत ही खराब चल रहा था। उस टाइम पे ऐसा डर था कि डुओपॉली जो है वो मार्केट बन जाएगा एयरटेल और जियो के बीच में। इस वक्त पे भी अगर हम देखेंगे तो एयरटेल और जियो एक मैक्सिमम मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं, बट वोडाफोन आइडिया का जो सिचुएशन है अब पहले से बहुत अच्छा हो गया। वोडाफोन आइडिया के पास पहले क्या था, कैश इशू था, तो क्योंकि वो फंड रेस कर नहीं पा रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला यार ठीक है अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू आप नहीं कर सकते तो मैं उसके जगह स्टेक ले लेता हूं। अगर प्रमोटर्स ने आपको सपोर्ट किया तो प्रमोटर्स ने बोला हम सपोर्ट करेंगे, 2000-4000 करोड़ कुछ दे दिए उस टाइम पे। हम थोड़ा टाइम पहले की बात कर रहे जब ये स्टेक कन्वर्जन हुआ था, और उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने 2024 में अब फंड रेस कर लिया है। फंड रेस करने का ये मतलब होता है कि वोडाफोन आइडिया का जो सिचुएशन है अब पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया। और यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट को टेलीकॉम बिजनेस में तो आना नहीं है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि यार अब मेरा स्टेक जो है वो प्रॉफिटेबल भी है, क्यों ना मैं इसको किसी सॉवरेन फंड को बेच दूं। तो सॉवरिन फंड यूएई, सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारे जगह पे सॉवरिन फंड्स हैं जो कि इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो गवर्नमेंट है ना देख रहा है कि अपना जो स्टेक है इन फंड्स को बेच दे, क्योंकि ये फंड्स के आने से सिर्फ एक नॉर्मल पैसे ही नहीं आते, बहुत सारा गाइडेंस आता है, बहुत सारा एक्सपर्ट इनसाइट्स आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन, गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मैं अपना स्टेक बेच दूँ किसी और को, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया तो बहुत अच्छे सिचुएशन में और मार्केट भी डुओपॉली में नहीं है। बट क्या ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक्चुअल में अच्छा मूव है? वेल, एक तरीके से डेफिनेटली, व्हाई नॉट। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वेस्टेड इनटू प्राइवेट बिजनेसेस, और इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट को एक अनबायस्ड अप्रोच लेना है हर कंपनी की तरफ। अगर प्राइवेट कंपनीज की बात आती है तो अब आप खुद ही सोचिए, अगर एक कंपनी में गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्टेड है तो वुड दैट डिसीजन बी अनबायस्ड ऑल द टाइम? तो यहाँ पे ऐसे पोजीशन से निकलने के लिए फ्यूचर में ये एक अच्छा मूव भी होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो अपना स्टेक बेच के निकल जाए। और इसका ये मतलब नहीं होता कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक गिर जाएगा या ऊपर चले जाएगा, तो अभी उस पर तो हम बात नहीं करेंगे कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बस ये समझना है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रहा है तो ये क्या बुरा है या अच्छा है, तो आपको बता दूं न्यूट्रल आपको व्यू रखना है इस पे। और जो गवर्नमेंट के अगर हम साइड से देखें तो आपको जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट डजंट वांट टू बी इन टेलीकॉम बिजनेस, एंड आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच टू टेक। आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को ये वीडियो दिखा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।